नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 21 जुलाई 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। आइए जानते हैं पंचांग शुरू करने से पहले आज क्या विशेष। आज प्रदोष व्रत रहेगा। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी गई है। आइए शुरू करते हैं पंचांग। बार बुधवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह आषाढ़ माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी तिथि जो कि शाम 4:26 तक रहेगी, नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 6:30 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा, योग ब्रह्म योग जो कि शाम को 4:11 तक रहेगा, उसके बाद ऐन्द्र योग प्रारंभ हो जाएगा, करण बव करण सुबह 5:53 तक, उसके बाद बालव करण शुरू हो जाएगा जो कि शाम 4:26 तक रहने वाला है। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र की गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:40, सूर्यास्त शाम 7:14, सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं जिसके कि स्वामी चंद्र भगवान बनते हैं। चंद्रोदय शाम 4:50, चंद्रास्त अगले दिन सुबह 3:19। चंद्र राशि की हम बात करें तो शाम 6:30 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, उसके बाद वे धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने ईष्ट देव की आराधना उनका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:04 से 4:52 तक रहने वाला है। बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, तो आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं दिन के चौकड़ियों की। हमें अगर कोई भी शुभ कार्य शुरू करना है तो आज हमें अपना शुभ चौकड़िया देखना पड़ेगा। सबसे पहले लाभ का चौकड़िया जो कि सुबह सुबह 5:40 से 7:22 तक रहे। लाभ का चौकड़िया शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 7:22 से 9:04 तक रहने वाला है। अमृत का चौकड़िया भी अच्छा समय है। अमृत के बाद काल 9:04 से 10:45 तक रहेगा। काल का चौकड़िया अशुभ समय है। काल के बाद शुभ 10:45 से 12:27 तक रहेगा। शुभ का चौकड़िया अच्छा समय है। शुभ के बाद रोग 12:27 से 2:09 तक रहेगा। रोग का चौकड़िया अशुभ समय है। रोग के बाद उद्वेग 2:09 से 3:50 तक रहने वाला है। उद्वेग का चौकड़िया अशुभ समय है। उद्वेग के बाद चर 3:50 से 5:34 तक रहने वाला है। चर का चौकड़िया सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 5:34 से 7:14 तक रहने वाला है। लाभ का चौकड़िया शुभ समय है। इन सभी चौकड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौकड़िये अत्यंत शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग इन्हें अशुभ चौकड़ियों की संगत दी गई है। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और कुलिक काल। राहु काल और कुलिक काल दोनों एक अत्यंत अशुभ समय माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य हमें इन दोनों समय में शुरू नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं राहुकाल। राहुकाल दोपहर 12:00 से लेकर 1:30 तक रहेगा। कुलिक काल सुबह 10:30 से और 12:00 तक रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए और अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले क्या परिहार करना चाहिए। आज के दिन की दिशाशूल है उत्तर दिशा, यानी आज उत्तर दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले तिल से बने हुए पदार्थों का सेवन अवश्य कर दिशाशूल का परिहार आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा यानी शुभ राशि की, यानी कौन कौन सी राशियां आज शुभ राशियां रहने वाली हैं। आज चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो आज शाम 6:30 तक जो राशियां शुभ हैं वे हैं वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ। सभी राशि शाम 6:30 तक शुभ रहेंगी। शाम 6:30 के बाद में जो राशियाँ शुभ हैं वे हैं मिथुन, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर, जन्म के पाये की और जन्म राशि की। आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर हैं या, यी, यू, ये और यू। इसमें ये और यू धनु राशि के अंतर्गत आते हैं और या, यी और यू ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। जन्म का पाया सभी का ताम्र का पाया रहने वाला है। धन्यवाद।